हम जलालपुर के सभी साथी, कॉलेज के छात्र छात्राएं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको चेक करेंगे। अभी सवेरे मैं देख रहा था ये 300 पार में सुरक्षा बल भी लगे हुए हैं। मैं द्वारा दी गई प्रतिज्ञा को पूरा किया जाए। दोस्तों, आज जलालपुर अम्बेडकर नगर में होने वाली है मैराथन जो कि बच्चों को दौड़ाया जाएगा। अभी आने वाले हैं, मुट्ठी उसकी खाली, हर बात कुछ बोल रहे हैं बच्चों पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। सुनिए, और आपको ऐसा नौजवान सांसद मिला है कि जो आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है कि आप अपनी एक प्रतियोगिता यहाँ दे सके। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो भी जितना भी विद्यालय जलालपुर अम्बेडकर नगर में है, उस सभी विद्यालयों से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। और दोस्तों, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो चलिए, हम आप सभी लोग को बच्चों को बीच से लेकर चलते दिखाते हैं, जितने बच्चे आए हुए हैं, देख लीजिए। तो आप सभी लोग ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो में बने, देखिए आप छोटे बच्चे भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, देख लीजिए। एक साथी वहाँ पे अपना स्टेमिना बना रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पे सभी बच्चों को एक ड्रेस दिया गया, यानी टी शर्ट दिया गया है, जो कि टी शर्ट पर नंबर भी है। अभी आप सभी लोग पेरेंट्स लोग उनके आए हुए हैं बच्चों को लिवा के विद्यालय से। और यहाँ पे देख लीजिए 90-18 लिखा गया है। तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सबको दिया गया, लड़की या लड़का चाहे जो हो, सभी लोग पहन के दौड़ेंगे आज। तो दोस्तों, देख लीजिए हमारे बीच में आ चुके हैं माननीय सांसद रितेश पांडे जी, और ये भी कुछ बोलने वाले हैं बच्चों के बीच में। तो चलिए, आप सभी लोग इस ऐसे ही वीडियो में सुनते बने रहिए और इनकी बातों को सुनिए क्या क्या ये बोलते हैं। देख लीजिए, माइक लेके ऊपर चल रहे हैं माननीय सांसद जी। और इसका प्रमुख कारण फैक्ट्रियों से धुआं, जो घरों पे अब कचरे को जलाने का कार्य किया जाता है, और खास तौर से इस सीजन में जो धान के अवशेष भाग को जलाया जाता है पराली के रूप में, उससे बहुत सारा धुआं निकलने का कारण होता है। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये धूप फैल रही है। आप अपने फोन में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, आप कभी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको चेक करेंगे। अभी सवेरे मैं देख रहा था ये 300 पार कर चुका है। और स्वच्छ हवा जो सरकारी मानक है, जो डॉक्टरों का मानक है, इसको 70 से नीचे रहना चाहिए, तब माना जाता है कि हवा ठीक है। ये 300 पार कर चुका है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या सामने उभर के आ रही है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, एक छोटी सी शपथ हम लोग सभी लोग लेंगे, उसके बाद जो बच्चियां यहाँ पे हैं वो आपसे पहले 10 मिनट पहले निकलेगी। मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ, हमारे जो साथी हैं, कि आप लोग थोड़ा 10 मिनट तक सब्र रखिएगा जब तक बच्चियां नहीं निकल जाती। और पिछली बार कुछ शिकायतें आई थी और सिक्योरिटी को लेकर के कुछ इश्यूज आए थे, तो
हमें जो है उस पर पूरी तरह से सतर्क रहना है और रास्ते में सुरक्षा बल भी लगे हुए हैं। मैं खास तौर से जो नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जब सड़क में इस प्रकार का कार्य ना करें जिससे जलालपुर का नाम नीचे हो। ठीक है, अपना शांत हो जाए भैया, शांत हो जाए भैया, या चलिए ऐसे कर लीजिए जो आप इच्छा हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप रिपीट करिएगा। हम जलालपुर के सभी साथी, कॉलेज के छात्र छात्राएं यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम वायु प्रदूषण को रोकने में अपनी पूरी क्षमता से योगदान करेंगे। हम समझते हैं कि वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम वाहनों का साझा कर दें, साइकिल चला लें, ई वाहन का चयन करना और पैदल चलने के तरीके को अपनाएंगे। हम पेड़ों का रोपण और हरित अभियान में भाग लेंगे। हम कॉलेज के परिसर में और जलालपुर के आसपास और अपने घरों में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों को अपनाएंगे। हम अपने साथी छात्रों और समाज में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाना, वे सहायक योगदान देंगे। हम अपने जीवन में साधारणता को अपनाएंगे ताकि हम संसाधनों का सही उपयोग कर सके। हम इस शपथ को पूरी ईमानदारी से लेते हैं और प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई प्रतिज्ञा को पूरा किया जाए। तो दौड़ेंगे, उसके बाद बच्चे दौड़ेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा इस कार्यक्रम में, दौड़ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में। तो चलिए आप सभी लोग कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो बने रहे, मिलते हैं किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से। तब तक जय हिंद जय भारत। मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अनुशासन बनाए रखें।